वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपको सिंपली पास्ता कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कढ़ाई ले लीजिए और उसमें पानी डाल दीजिए, और पानी डालने के बाद उसमें पास्ते को अच्छे से उबाल लीजिए। और जब तक वो उबल रहा है तब तक आप प्याज और मिर्च को काट लीजिए, और टमाटर को बारीक काटिएगा ताकि जब आप इसे बनाते हैं तो वो अच्छे से मिल सके। अब ये ऑलमोस्ट उबल चुका है और मैं इसमें इसका जो पानी है उसको छान के निकाल लूँगी। और उसके बाद मैंने क्या किया है, अगेन कढ़ाई में हल्का तेल डाला है, और जब वो तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है तो मैंने उसमें प्याज और हरी मिर्च डाल दी है। और अब इसको हल्का ब्राउन करने तक इसको भूंजना है। और मैंने इसको इसकी जो फ्लेम है गैस की वो हाई पे रखी है, और मैं इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और जब ये हल्का ब्राउन हो जाए तो हमें इसमें टमाटर ऐड कर देना है। और अब ये देखिए इसका जो कलर है वो धीरे धीरे आ रहा है, तो इसे चलाते रहना है ताकि ये जले नहीं, क्योंकि अगर ये जल जाएगा तो इसका टेस्ट जो है थोड़ा अजीब हो जाता है। अब इसमें मैं टमाटर मिक्स कर दूंगी, और उसके बाद अगेन सेम प्रोसेस है, आप इसको चलाते रहिए। और इसको अगर आप थोड़ी देर के लिए ढाँक देते हैं तो इसका जो टमाटर और प्याज है वो अच्छे से गल जाता है। तो अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढाँक दूँगी और फ्लेम को धीमा कर दूँगी। और ये है मैगी मसाला जो मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। तो आप चाहें तो पास्ता मसाला से भी बना सकते हैं, बट मुझे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा, मैंने ट्राई किया दो बार, तो इस बार मैंने मैगी मसाले से मैं आपको सिखा रही हूँ। और इसमें मैंने मैगी मसाला ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा इसमें पानी ऐड किया है ताकि जो मसाला है वो अच्छे से पक जाए। और क्योंकि अगर मसाला कच्चा रह जाता है तो वो हार्मफुल होता है। और उसके साथ ही साथ मैंने इसमें नमक डाला है, और नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। मसाले में भी हल्का नमक होता है बट वो बहुत ही कम होता है, इसलिए आपको अलग से इसमें यूज़ करना पड़ता है। और अब मैं इसको मीडियम फ्लेम में रखूँगी ताकि इसका जो मसाला है और जो पेस्ट है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और पक जाए। तो ये ऑलमोस्ट हो चुका है, और ये मुश्किल से 2-3 मिनट में ये पक जाता है। और इसको आप चला के देख सकते हैं, तो जब इसका कलर हल्का ब्राउन हो जाता है तो उसके बाद जो आपने बॉयल करा हुआ पास्ता रखा था उसको डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अगर आप इसमें कुछ फ्लेवर डालना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने इसमें ये किसान का टोमेटो फ्रेश इसमें मिक्स किया है, तो छोटा पाउच ही मैंने इसमें मिक्स किया है। अगर आप बहुत ज़्यादा डाल देते हैं तो केवल उसी का टेस्ट आता है और जो मसाला है उसका टेस्ट नहीं आता, इसलिए छोटा पाउच ही यूज़ करिए। और इसको मिला लीजिए, और अब आपका जो पास्ता है वो तैयार है। तो फ्रेंड, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, होप सो कि आपको अच्छा लगा हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।